सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं दूसरा सिटी में हूँ, मेरा होम टाउन पे हूँ, तो वहाँ पे प्रॉपर सेटअप नहीं है और टाइम भी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बट आई प्रॉमिस आई विल मेक कंटिन्यूस वीडियोज़। तो आज ये वीडियो का टॉपिक है बियर्ड ग्रोथ किस तरह से ईजी से किया जा सकता है एंड विदाउट एनी हायर इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप मार्केट में देखोगे तो काफ़ी सारा बियर्ड ऑयल मार्केट में मिलता है एंड उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा रहता है और उस पर हम लोग को इफेक्टिव रिजल्ट्स उतना नहीं मिल पाता है। तो ये 3-स्टेप प्रोसेस मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो मैं खुद करता हूँ मेरे बियर्ड के लिए। अगर आपको बियर्ड बढ़ानी है तो ये 3 स्टेप्स आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, अगर आप बियर्ड ऑयल में खर्चा नहीं करना चाहते और उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, आपको आपके जो चिक एरिया होता है उसको अच्छी तरह से मसाज करना है। मसाज टू योर चिक एरिया, जहाँ पे वे बियर्ड नहीं आ रहे वहाँ पे आपको मसाज करना है। और किस तरह से मसाज करना है, आपको दोनों हाथ इस तरह से लेना है और दोनों अपने गाल पे रखना है और राउंड द मोशन इस तरह से मसाज करना है। इस तरह से आप 10 टाइम्स कर सकते हो और उसके बाद आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको करना है। ये दो होने के बाद नीचे में आपको फिर से सर्कुलर मोशन में आपके चिन के नीचे में एरिया में आपको मसाज करना है और फिर आपको पीछे के एरिया में आपको मसाज करना है। तो जितना ज़्यादा आप मसाज करोगे अपने चिक एरिया पे और आपके जो नेक है उसके ऊपर वाला जहाँ पे दाढ़ी नहीं आता है उस पर आप मसाज कीजिए, देखिए आपको दो बेनिफिट मिलेगा इससे। एक तो आपका ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा जिससे आपका बियर्ड जो है ग्रोथ होगा, और दूसरा जो है आपका स्किन जो है ग्लो करने लगेगा। तो मसाज इज स्टेप वन, आपको मसाज रात को सोने से पहले आप करके आराम से सो जा सकते हो। अभी स्टेप टू की बात करते हैं। स्टेप टू में आपको करना यह है, आप मार्केट से आप बियर्ड ऑयल परचेज करके आप लगाते हो लेकिन उससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज़ हुआ रहता है एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो एक नेचुरल तरीके से आप बियर्ड ऑयल घर में बना सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट चाहिए। एक जो है नॉर्मल कोकोनट ऑयल, आपके घर में कोकोनट ऑयल अवेलेबल होगा। कोकोनट ऑयल आप 100 ml तक ले लीजिए। कोकोनट ऑयल के साथ आपको लेना है कास्टर ऑयल। तो कोकोनट ऑयल 1 tablespoon में लेना है और उसके साथ साथ आपको कास्टर ऑयल 1 tablespoon में लेना है। दोनों को अच्छी तरह से मिलाना है और उसको करना है क्या, थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करने के लिए आप डायरेक्टली जो फ्लेम होता है उस पर मत लेके जाइए, थोड़ा सा गर्म पानी कीजिए। गर्म पानी में एक छोटे से कटोरे में जो तेल आपने लिया है उसको रख दीजिए, थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसको आप अच्छी तरह से अपने बियर्ड में मसाज कीजिए। आप वीकली अगर इसको 2 बार अगर मसाज करते हो, हल्का हल्का लगाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप डेली लगाते हो अपने बियर्ड में वो ऑयल तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा स्टेप में आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मतलब जो बियर्ड ग्रोथ होता है वो बेसिकली मेल सेक्सुअल हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है उसके वजह से हम लोग का ये जो मेल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो बिल्ड होता है। अगर आपको अच्छा बियर्ड चाहिए तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इम्प्रूव होना बहुत ही ज़रूरी है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल इम्प्रूव करने के लिए आप बाहर से कोई भी दवाई मत खरीदिए, वो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुँचाएगा। आप स्क्वाट कर सकते हो, फ्री स्क्वाट्स आप डेली आप 20 से 25 कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। आप स्क्वाट्स 3 सेट्स 10 ईच 10 रेप का 3 सेट्स कीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।